आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ब्लॉक ताखा में विधायक प्रतिनिधि एवं एडीओ पंचायत ताखा देवेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में किया गया ताखा में औचक निरीक्षण। ताखा कस्बा के अंतर्गत ब्लॉक ताखा जनपद इटावा विधायक प्रतिनिधि ध्रुव यादव चीनी एवं एडीओ देवेंद्र पाल ने प्राथमिक विद्यालय एवं उत्तर माध्यमिक विद्यालय एवं पशु सेठ एवं आवासों एवं जनता की सभी समस्याओं का दिया अनुशासन, जल्दी से जल्दी समस्याओं का किया जाएगा निवारण। मौजूद रहे ध्रुव यादव चीनी एडीओ एवं बीडीओ एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य सलामू बिट्टू यादव, अन्ना जयकिशन यादव, कल्लू यादव, सचिन यादव, रामजीवन यादव एवं सभी लोग मौजूद रहे। जी आज जो कस्बा ताखा में आपने औचक निरीक्षण किया है उसको लेकर के आज ताखा ग्राम ताखा में क्या क्या कमियां पाई गई हैं जिसमें आप कुछ संदेश देंगे इसके बारे में? हम लोग यहाँ देखने आए थे, जो आवास आए हैं तो कई शिकायतें मिली थी कि लोगों ने पैसे लिए हैं क्या किया, तो उसी को हम लोग देखना है। बाकी विद्यालय में देखना था कि क्या चल रहा है, विद्यालय में साफ़ सफाई कैसी है, बाथरूम कैसे हैं इनके, क्या ये काम कर रहे हैं, टाइमिंग सही है कि नहीं। बाकी जो भी और लोगों को जिनको आवास नहीं मिले एडीओ साहब साथ में, तो जिनको आवास नहीं मिले उनकी आगे लिस्ट बना के जाँच करा के कार्रवाई करें। और अभी तक जो रोड की समस्या गाँव ग्रामीणों के लिए बनी हुई है, ये कब तक यहाँ पर इनके लिए सुखद होगी ये रोडें? रोड की समस्या जो भी, ये रोड ब्लॉक के अंदर ही पीडब्ल्यूडी का रोड है, ये हम लोग इसका प्रस्ताव करा के ऊपर भेज देंगे आगे कार्रवाई के लिए, क्योंकि अभी हम लोग उसमें सरकार में तो नहीं है। बाकी जो भी प्रोसेस होगा उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। जो गलियां है वो अपने ब्लॉक स्तर से जो कार हो सकता है उसको हम कराएंगे। जो अभी आपने कॉलेज में जो निरीक्षण किया उसमें क्या क्या कमियां मिली हैं? अभी तो क्योंकि हम लोग इस टाइम आए तो बच्चे जा चुके थे, बाकी जो दो तीन टीचर मिले हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक थी। बाकी हमारे एडीओ साहब ने रजिस्टर चेक किए हैं तो ये बताएंगे आगे क्या रहा इनका। सर आपने जो रजिस्टर जो आपने चेक किए हैं उसमें अभी तक आपको क्या क्या कमियां मिली हैं? रजिस्टर में उपस्थिति पंजिका में 168 छात्र पंजीकृत हैं, 137 की वहाँ उपस्थित रजिस्टर पर मिले हैं। यदि बच्चे नहीं थे तो छुट्टी हो गई है, तो वहाँ बच्चे की संख्या नहीं गिन पाए हैं, लेकिन रजिस्टर में 137 है। धन्यवाद सर। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।